नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अमेरिकी मीडिया में बिहार की हार को बताया मोदी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पिछले एक वर्ष में भाजपा के प्रदर्शन का प्रत्यक्ष और नकारात्मक मूल्यांकन दिखाता है। यह विचार अमेरिका के एक विशेषज्ञ का है, जबकि देश की मीडिया ने इस हार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका बताया है। मिशिगन विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के प्रोफेसर पुनीत मनचंदा का कहना है कि दिल्ली में आपकी जीत से अलग जो कि सामान्य तौर पर नेताओं से मतदाताओं के मुंह भंग का प्रतिबिंब था, लेकिन यह हार पिछले एक वर्ष में भाजपा के ज्यादा प्रत्यक्ष और नकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाती है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लेकर गंभीर चिंता है। इस विचार पर कि बिहार जैसे राज्य में हार मिलना भाजपा के लिए वाकई बड़ा झटका है, मनचंदा ने कहा कि यह ऐसे वक्त में आर्थिक सुधारों की हवा निकल सकती है जब उनमें तेजी आनी चाहिए। परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। भारत ने सोमवार को सशस्त्र बलों के प्रयोगकर्ता परीक्षण के तहत परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का प्रायोगिक परीक्षण किया। 4000 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद लक्ष्य को भेद सकने वाली इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित एक परीक्षण रेंज से किया गया। इस मिसाइल का परीक्षण अब्दुल कलाम आइलैंड स्थित इंटीग्रेटेड टास्क रेंज के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से सुबह लगभग 9:45 पर किया गया। इस स्थान का नाम पहले व्हीलर आइलैंड था। देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लालू यादव ने कहा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के नतीजों का देश पर असर पड़ेगा। बिहार में नीतीश की अगुवाई में सरकार बनेगी और अब मैं पूरे देश में मोदी के खिलाफ जाऊंगा। उन्होंने पीएम पद की गरिमा गिराई है। नारा था विकास, लेकिन वे देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। मैं देश भर में कट्टरपंथ का विरोध करूंगा। सम्मान लौटाए जा रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री नहीं, संघ के प्रचारक हैं। फास्ट फूड मैगी फिर बाजार में। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने अपने उपभोक्ताओं को दीपावली का उपहार देते हुए सोमवार को धनतेरस के दिन से अपने लोकप्रिय एवं पिछले कुछ समय से विवादों में रहे उत्पाद मैगी नूडल्स की बिक्री शुरू कर दी है। साथ ही उसने इसकी बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्नैपडील के साथ भी करार किया है। कंपनी ने सोमवार को BSE को बताया कि पिछला कुछ समय उसके लिए काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन मैगी को पुनः बाजार में पेश करना उसके लिए संतोषजनक है। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से। सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 30 दिसंबर तक बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार को इस सत्र में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, अचल संपत्ति विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने होंगे, लेकिन ऐसी संभावना है कि बिहार चुनाव में भाजपा सहित राजग की भारी पराजय के बाद राज्यसभा में अल्पमत सरकार को विपक्ष के और तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अटकलें हैं कि संसद के इस सत्र में कुछ खास कामकाज शायद ही हो पाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।